मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासमी जो मालेगांव शहर से विधायक है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM से चुने गए थे। दो दिन से नेशनल मीडिया पर इन्हें भड़काऊ भाषण देने को लेकर न्यूज़ चलाई जा रही है, इन्हें टारगेट किया जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। मालेगांव शहर में एक हफ्ते पहले रिजवान सर, जो उन्हीं के पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, माजी नगर सेवक रह चुके हैं, उनके घर पर रात में 2 बजे दो बदमाशों ने खुलेआम फायरिंग की। अच्छा हुआ कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, घर का काफ़ी नुकसान किया गया। हमने खुद वो स्टोरी कवर की थी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 29 फरवरी को मालेगांव शहर के एक दिग्गज नेता साथी निहाल अहमद साहब की बरसी थी। उस दिन उन्होंने कुछ अपनी बातें रखी, कुछ स्पीच रखी, जिन पर उन्होंने कहा कि वक्त पर FIR नहीं की गई। उसी के साथ साथ इस तरह की गुंडागर्दी अगर मालेगांव शहर में चलती रही तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी, ऐसी कुछ बातें मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने अपने बयान में की थी। लेकिन नेशनल मीडिया ने आज उनकी कुछ बातों को लेकर टारगेट करना चालू किया है, भड़काऊ भाषण को लेकर। लेकिन अगर आप पूरा भाषण सुनेंगे तो उसमें किसी भी तरह का वायलेशन नहीं है। असल अगर देखा जाए तो मालेगांव शहर में NRC, NPR और CAA को लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन कहीं भी हिंसा, वायलेशन, ऐसी कोई भी गतिविधि मालेगांव शहर में नहीं हुई। लेकिन आज मालेगांव शहर के विधायक मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासमी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? इसलिए कि वो AIMM पार्टी के विधायक है, असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के विधायक है। इसलिए ये काफ़ी ऐसी बातें हैं जो गंभीरता से लेनी चाहिए, ऐसे किसी पर भी ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। उन्होंने अपने सफाई में भी कई बातें कही है, जो उनका बयान है CAA, NPR और NRC को लेकर जोड़ा जा रहा है। उन्होंने साफ इनकार किया है कि मेरी जो भी बातें थी उस दिन, मैंने जो भी स्पीच दी थी, वो सिर्फ मालेगांव शहर से ताल्लुक़ रखती है और मालेगांव शहर में जो हादसा हुआ था उसको लेकर मैंने कही थी। NRC, NPR और CAA को लेकर मैंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दिया है, उन्होंने क्या कहा था, किस तरह का भाषण दिया था, आप देखिए, आप सुनिए, आप खुद फैसला कीजिए कि ये भड़काऊ है या इन्हें बस टारगेट किया जा रहा है। सर ये है, आज नेशनल मीडिया जो है मेरे इस बयान को मालेगांव के मौजूदा हालात से हट करके NPR, NRC और CA से इसे जोड़ करके इसे वायरल कर रही है। ये इंतहाई बददियानती है, गलत तरीका है, मीडिया को इस तरह नहीं करना चाहिए। मेरी बात मालेगांव के हालात के पेशे नज़र है और मालेगांव डिपार्टमेंट से मैंने ये बात कही है। मेरी गुफ्तगू के आगे पीछे हिस्से से इस बात को समझा जा सकता है, इसलिए मैंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है। अगर मेरे बयान से हालात बिगड़ते तो मालेगांव के अंदर अब तक हालात बिगड़ चुके होते, जबकि मालेगांव पूरी तरह शांत है।